फ्रेंड्स एमिति कुहा जाय छि जेबे जेबे पृथ्वी उपरे धर्मर पतन होय थाय सेबे सेबे भगवान मनुष्य रूपने पृथ्वी रे अवतार नै आसी थांती आउ एही भली भाद्रव मासर कृष्ण पक्षर अष्टमी तिथि रे भगवान विष्णु कृष्णक अवतार रे जन्म नैथिले आउ एही दिन को आमे कृष्ण जन्माष्टमी रूपरे पालन करिथाउ। फ्रेंड्स आमर देश में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व बहुत खुशी रे पालन करा जाई थाए। एही दिन भक्त माने व्रत रखी थांती। बहुत लोक एही दिन व्रत रखी भगवान श्रीकृष्ण को बाल स्वरूप जी की लड्डू गोपाल पूजा आराधना करी थांती। एही दिन जेउ भी भक्त पूरा श्रद्धा मनरे पूजा आराधना करी थांती विधि विधान रे भगवान श्रीकृष्ण का पूजा करी व्रत नियमर पालन करी थांती तांकर समस्त मनोकामना भगवान श्रीकृष्ण पूरण करी थांती। फ्रेंड्स आज वीडियो रे आमे आपन को कहिबू कि चेमिति काम जहाँ सब कृष्ण जन्माष्टमी दिन आमको निश्चय करबा उचित आउ सही सब काम कौन कौन गोटी गोटी करी आपन एही वीडियो रे जानि परिबे। भगवान श्रीकृष्ण का कृपा पाइबा पई कमेंट रे गोकुलनाथाय नमः निश्चय लेखंतु। एही आठ अक्षर रो श्रीकृष्ण मंत्र रो जप जेउ भक्त करी थांती तांकर सब इच्छा पूर्ण होइथाय। चालंतु देखिबा सही दसटी काम कौन जहाँको जन्माष्टमी रे करबा उचित। फ्रेंड्स सर्वप्रथमे जदि आपण कृष्ण जन्माष्टमी व्रत रखुछंती तेबे आपण को सकाळ सर्वप्रथमे ब्रह्म मुहूर्त रे उठी स्नान और अन्य सबु काम करी भगवान श्रीकृष्ण को ध्यान करिबा सह व्रतर संकल्प नेबा उचित। आपण चाहिले निज मन रे संकल्प नेइ पारिबे। आपण आपणकर नाम आपणकर गोत्र जेउ जागा रे रहुछंती एवं आपणकर जेउ सबु कामना अछि सही सबु कथा को मनरे ध्यान रखी व्रतर संकल्प नियंतु। फ्रेंड्स केउ भी प्रकार व्रत को करिबा पूर्वरु आमको व्रतरे संकल्प निश्चय नेबा उचित जहाद्वारा सही व्रतर पुण्य फल आमको मिलिथाए। द्वितीय काम एही दिन भगवान कर जेते बेले पूजा आराधना आमे करिबा विशेष ध्यान आमको रखिबा उचित कि जेमिति फूल फल वस्त्र सब हलदिया रंगर रखिबा को पड़िबो। एही दिन भगवान को आपण हलदिया रंगर ही वस्त्र दियंतु। आपण निजे भी हलदिया रंगर वस्त्र धारण करंतु एमिति करिले बहुत भल होइथाय। तृतीय काम जहाँ आमको बहुत ध्यान रखिबा को पड़िथाय भगवान श्रीकृष्ण को एही दिन पंचामृतर अभिषेक निश्चय करंतु। पंचामृत रे क्षीर दही घी चीनी महु एही पांचटी जिनिस मिसाई आपण पंचामृत बनंतु आउ भगवान लड्डू गोपाल को बहुत प्रेमरे पंचामृत स्नान करंतु। फ्रेंड्स जदि आपणक घरे दक्षिणमुखी शंख अछि ताहले शंखरे पंचामृत रखि श्री लड्डू गोपाल को स्नान करंतु एहा आहुरी अधिक उत्तम फलदायक अटे। चतुर्थ काम जन्माष्टमी रे जेते बेले भगवान कृष्ण को भोग लगाइबे सेते बेले तुलसी पत्र रखिबे ध्यान रखिबे जेते बेले भोग अर्पण करिबे सेही समय रे तुलसी पत्र भोग रे पकेइबे। पंचम कथा एही दिन भगवान कृष्ण को गोटे बणीसी आनी दियंतु एहा सह आपण मंदिर जाई मध्य देई पारिबे एहा बहुत भल होइथाय तेनु एही काम को निश्चय करंतु। षष्ठ काम जन्माष्टमी दिन आपण मयूर पंख आनिबा अति शुभ माना जाइथाय। भगवान श्रीकृष्ण को पाई आपण गोटे मयूर पंख नेई आसंतु किंबा पंख लागिथिबा मुकुट आनंतु एवं घरे भी आपण मयूर पंख सबु जगारे लगेइ पारिबे। मयूर पंख आपणक घर सब प्रकार नकारात्मक शक्ति को नष्ट करि दै थाए सेथिपाई एही जन्माष्टमी रे एही सब काम आपण निश्चय करंतु। सप्तम काम भगवान कृष्णक पाई आपण झुलणा बा दोळी बनांतु। भगवान कृष्ण को दोळी रे झुलिबा बहुत पसंद होइथाए। अष्टम काम फ्रेंड्स भगवान श्रीकृष्ण को शुद्ध गुआ घी रे दीप लगांतु। जदि आपण गोमातार सेवा करुछंती ताहले भगवान श्रीकृष्ण बहुत जल्दी प्रसन्न होइथांती। एही दिन गाई को आपण सबुज घास खुआई पारिबे हळदिया लड्डू खुआई पारिबे एमिति करिबा बहुत भल होइथाय। नवम काम भगवान कृष्ण को भोग लगाइबा बेले ध्यान रखिबे हळदिया फळर भोग देबे ता सहित लोहुणी और मिश्रीर भोग लगाइबे। दशम काम
ଏହି ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରତ ଯେତେବେଳେ ଧାରଣ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଠାରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ, ଜପ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ଥିଲା ସେହି 10ଟି କାମ ଯାହାକୁ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଦରକାର।